हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ एक एल्प्स गुडनेस का ये उपटन। और ये जो उपटन है ये बिल्कुल वैसा ही उपटन है जैसा आप ब्राइडल के लिए आप लोग उपटन बनाते हैं। जैसा आपने ब्राइडल के लिए उपटन देखा है उसी तरीके से ये उपटन है, लेकिन ये रेडीमेड है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो उपटन है आप देख रहे हो एल्प्स गुडनेस का है, और इसका अगर नेट वेट की बात करें तो इसका नेट वेट है 50 ग्राम। और अब इसके पीछे देख लेते हैं, इसके पीछे भी कुछ इस तरीके से लिखा है एल्प्स गुडनेस और उपटन पाउडर। और अब इसके पीछे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट बताए गए हैं और आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताया है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ करना है आपको। इसकी सेल्फ लाइफ की बात की जाए तो इसकी सेल्फ लाइफ है 3 साल, ये आपका 3 साल तक चल जाएगा। और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 85, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, आपको ये अंदर से कुछ ये पॉलीथीन में मिलेगा, जो भी इसका पाउडर है उपटन पाउडर वो आपको पॉलीथीन में मिलेगा। और आप इसको पैकेट को देख सकते हो कि अंदर से ये ऐसा है, सील बंद है, मतलब आप अगर इसको पैकेट को ओपन करके इसके अंदर रखते हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका उपटन है, वो बिल्कुल सेफ रहेगा, प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे बाउल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी रोज़ वाटर। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप वाटर यूज़ करो सिंपल वाटर, या फिर आप ये रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ 2 टेबल स्पून इसको ले रही हूँ उपटन। और ये जो मैं उपटन ले रही हूँ ये मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग लिया है, जितना मुझे अपने फेस पे चाहिए, तो मुझे इतना सफिशिएंट लगता है कि मुझे 2 टेबल स्पून मेरे फेस पे हो जाएगा। और अब मैं इसमें रोज़ वाटर मिलाऊँगी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आपको इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, ये मैंने purple.com से मंगाया था। तो आप देख सकते हो ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा ऑलिव ऑयल है, क्योंकि कोल्ड प्रेस है, तो मैं इसी को आज यूज़ करने वाली हूँ इसमें। और आप देख ही सकते हो इसकी MRP है 125। तो अब मैं इसमें डालूँगी इसको, लेकिन ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको 1/2 टेबल स्पून डालूँगी, सिर्फ हाफ डालना है मुझे इसमें, और इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर अपना रोज़ वाटर डाल के इसको अच्छे से एक पेस्ट में मिला लेंगे, हम इसको पेस्ट बना लेंगे एक बहुत अच्छा सा, जो हमारे फेस पे एक लग जाए। तो उस तरीके से हम पेस्ट डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर और डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन आपको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो मेरा ये पेस्ट बन के तैयार है, जिस तरीके से मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उस तरीके से बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसको अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ। तो इसको फेस पे लगाने से पहले आपको फेस वॉश कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद आपको ये पैक लगाना है। तो इसमें अगर अब बात करूँ मैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें इंग्रेडिएंट वही हैं जो आप नॉर्मली ब्राइडल के उपटन में आप घर पर बनाते हो उसमें डालते हो, तो ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला है आपके फेस को। और अब मैं इसके इंग्रेडिएंट बात करूँ तो इसमें है ग्राम फ्लोर, वीट फ्लोर और कपूर, टर्मरिक। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आपके फेस के लिए होते हैं, और ये बहुत ही, आप जानते हो कि खुद भी आप इसको यूज़ करते हो घर में, तो ये सारे इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने पूरे फेस पे अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और अब मैं इसको रखने वाली हूँ 15 मिनट तक, क्योंकि इसको 15 मिनट तक रखना है, और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी रब करने के बाद। तो अब ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल 15 मिनट बाद मेरा ये सूख चुका है, हल्का सूखा और गीला सा है। तो अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रब सा करूँगी, मतलब हल्के हल्के हाथों से रगड़ के, जैसे आप देख सकते हो ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, इसलिए आपको लगेगा कि मैं बहुत हार्डली कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने बहुत जेंटली से बहुत अच्छे से मसाज करके इसको निकाला है। और आप देख सकते हो इसको निकालने के बाद आपके फेस पे एक अच्छे से शाइन, एक अच्छे से ग्लो आएगा, और आपके ये फेशियल हेयर रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है आपको। और बेसन तो आप जानते हो आपके जो हेयर होते हैं फेशियल हेयर, उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है। टर्मरिक आपकी स्किन ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, और वीट फ्लोर है वो भी आपके जो हेयर होते हैं उनको, फेशियल हेयर होते हैं उनको भी निकालने में बहुत हेल्प करती हैं दोनों चीज़ें। और कपूर भी आपकी स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें हैं। और अब आप देख लीजिए मैंने
फेस वॉश करने के बाद आप मेरा फेस देख सकते हो कितना ग्लो आया है अपने मेरे फेस पे। तो ये उपटन आप ब्राइडल के लिए और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं डेली में। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये उपटन कैसा लगा। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, उसके बगल में ही एक बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ गाइज, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जो प्रोडक्ट मैंने अभी यूज़ किया था उपटन का, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अपने लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।